पसीना आना हमारे लिए बिल्कुल आम बात है, क्योंकि हम इंसानों के लिए एक प्राकृतिक चीज़ है और ये हमारे जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर हमारे शरीर से पसीना निकलना बिल्कुल ही बंद हो जाए? आज हम ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे जिन्हें आपको ज़रूर जानना चाहिए, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो लेट्स एक्सप्लोर। इंसान को पसीना इसलिए आता है ताकि शरीर का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास नियंत्रित रहे, और ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है। जब शरीर गर्म होता है तो हमें ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि ये शरीर को ठंडा रखने का काम करता है। पसीने के हवा में सूखने से ठंडक पैदा होती है और शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है। वास्तव में ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोगों को ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा पसीना आता है। अगर आपको बिना किसी काम या वर्कआउट के बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आप इसे इग्नोर ना करें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना किसी खतरनाक बीमारी का संकेत हो सकता है। हालांकि ज़्यादा पसीना आना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कभी कभी इसके पीछे स्वेट ग्लैंड्स में गड़बड़ी, स्ट्रेस हार्मोन बदलाव, मसालेदार खाना, अधिक दवाएं, मौसम और मोटापे जैसे कारण हो सकते हैं। इस स्थिति को हाइपरहाइड्रोसिस भी कहा जाता है। दरअसल हाइपरहाइड्रोसिस नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। जो लोग इससे पीड़ित होते हैं उन्हें सर्दियों के मौसम में भी नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा पसीना आता है। इसमें शरीर को ठंडक देने की प्रक्रिया ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। बिना किसी काम और एक्सरसाइज के अधिक पसीना आना हार्ट की समस्याओं की चेतावनी के संकेत हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से इस बारे में सलाह लें और उनके बताए गए टेस्ट ज़रूर करवाएं, ताकि सही कारण का पता चल सके। और आपको अपने खान पान व साफ़ सफाई का भी खास ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, नॉर्मल तरीके से पसीना आना हमारे जीवन के लिए बेहद ज़रूरी और फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पसीना बिल्कुल न के बराबर आता है। और रिसर्च में पता चला है कि जिन लोगों को पसीना आता है वे उन लोगों की तुलना में कई ज़्यादा सेहतमंद होते हैं जिन्हें पसीना नहीं आता है। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर हमारे शरीर से पसीना निकलना बिल्कुल ही बंद हो जाए? तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हमें कई बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पसीना हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, कूलिंग प्रोसेस में अनवांटेड मटेरियल्स को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाता है। और जब कभी भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ये पसीना हमारे स्किन पोर्स से निकलकर और इवापोरेट होकर कूलिंग प्रोसेस के दौरान हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करता है। तो अगर आपके शरीर से कभी पसीना नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि आपका बॉडी टेम्परेचर गड़बड़ा जाएगा। और जब भी आपकी बॉडी गर्म होने लगेगी तो आपको आइस बाथ वगैरह से ही अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करना पड़ेगा। इस कंडीशन को आमतौर पर एनहाइड्रोसिस या हाइपोहाइड्रोसिस कहते हैं, जहां शरीर में मौजूद स्वेट ग्लैंड सही ढंग से काम नहीं कर पाते। इस डिसऑर्डर से ग्रस्त लोगों के लिए नॉर्मल टेम्परेचर भी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान ओवरहीटिंग की वजह से जान जाने का खतरा भी रहता है। कम ही लोगों को पता है कि पसीना आने से हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, जो कि कई जर्म्स का सफाया करने में मदद करता है और जिससे हम कई तरह की बीमारियों से बच जाते हैं। तो अगर आपको पसीना आना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हो। पसीना ना आने से चर्म रोग व किडनी स्टोन होने की भी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पसीने से हमारे शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा सोल्ट भी बाहर निकल जाता है, लेकिन पसीना नहीं आने की वजह से यह प्रोसेस भी रुक जाएगी। आमतौर पर एनहाइड्रोसिस कंडीशन स्किन डिसऑर्डर्स जैसे कि इन्फेक्शन, नर्व डैमेज, ड्रग्स और फेब्रीज डिसीज की वजह से होती है, जिसके दुष्प्रभावों की वजह से हमारे स्वेट ग्लैंड डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से मांसपेशियों में अकड़न, नोजिया और जान जाने तक की संभावना रहती है। वैसे तो इस कंडीशन को रोक पाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन कुछ टेस्ट के जरिए डॉक्टर्स इस कंडीशन का पता लगा पाते हैं और फिर आगे के ट्रीटमेंट से इसे रोकने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।